हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर आपका एक चैनल है यूट्यूब पे या फिर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप रेसिपीज और कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें डालना चाहते हैं, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा किस तरह से किया जाए। तो ये पार्ट वन आज मैं रिलीज़ कर रहा हूँ इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स देने वाला हूँ किस तरह से आप अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए, क्या क्या छोटी 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 बातें होती हैं जिससे आप चैनल को और अच्छा कर सकते हैं, अपने वीडियोस की क्वालिटी को एक प्रोफेशनल लेवल पर ला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं 10 पॉइंट्स आज बताने वाला हूँ, तो पॉइंट नंबर वन से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन इज़ जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं उनकी एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाइए और ये लिस्ट का जो वीडियो बनेगा इट शुड नॉट बी मोर देन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड से लंबा नहीं होना चाहिए। और उसमें आप बताओगे कि अगर मैं नूडल्स बना रहा हूँ तो नूडल्स बनाने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो जितनी भी चीज़ें हैं आप उसकी फोटोग्राफ दिखा सकते हैं या फिर आप एक जगह सारी चीज़ें रख के आप उन्हें पॉइंट आउट कर सकते हैं। फोटोग्राफ ज़्यादा फीजिबल होता है, पॉइंट आउट करने में थोड़ा सा मैसी हो जाता है, बट जैसा आपका कम्फर्ट लेवल हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी आप शॉर्ट लिस्ट बनाएं, वीडियो के शुरुआत में शॉर्ट लिस्ट को दिखाएं, तो जो भी आपका वीडियो देख रहा है उसे क्लियर हो जाता है कि एक्स वाई जेड चीज को बनाने के लिए या फिर नूडल्स को बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। ये हुई एक बात। अब आते हैं पॉइंट नंबर टू पे, जो कि है कैमरा। मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा करिए। अगर आपने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मैं कभी आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप महंगे कैमरा लीजिए या फिर आप टीम हायर करिए, स्टूडियो हायर करिए और आप एक अपना छोटा सा वीडियो शूट करिए। नहीं, हम चाहेंगे कि जितना भी आपके पास रिसोर्स है उसी को आप यूज़ करें और अच्छे से यूज़ करें। तो कैमरा की अगर बात आती है तो हमारे सेलफोन कैमराज काफ़ी अच्छे हो गए हैं, चाहे वो सेल्फी कैमरा हो फ्रंट वाला, चाहे वो बैक कैमरा हो। कैमरा जब हम यूज़ करते हैं, कभी कभी क्या होता है जब हम कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं नोटिफिकेशन आ जाती है, कॉल आ जाती है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए क्या करना है हमें सिंपली अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगा देना है। जब हम एयरप्लेन मोड पे उसे लगा देंगे तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं आएगी और हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। पॉइंट नंबर थ्री की अगर बात करें तो कैमरा की ही थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा। कैमरा आपको हमेशा हाई रेजोल्यूशन सेटिंग्स पे रखना है। सेटिंग्स में जाकर आप इसे देख सकते हैं और उसे हाई रेजोल्यूशन सेटिंग्स में रखिए ताकि जब आपका वीडियो बन के आए तो वो अच्छा बन के आए। हमें हर बार HD वीडियोस देखना पसंद होता है, तो हम चाहेंगे जब हमारा भी कोई वीडियो बने तो वो HD बने। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली सेटिंग्स में जाके जो भी आपके फ़ोन कैमरा में हाईएस्ट रेजोल्यूशन अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में वीडियो शूट करना चाहिए, मतलब लैंडस्केप मोड में वीडियो को शूट करना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अगर ये मेरा फ़ोन है तो ऐसे रखना है फ़ोन को, ऐसे करके शूट नहीं करना है, लैंडस्केप मोड में शूट करना है, पोर्ट्रेट मोड में शूट नहीं करना है। पॉइंट नंबर फाइव, कैमरा सेटिंग्स में जाइए और अगर आप कैमरा सेटिंग्स से वाकिफ हैं तो एक्सपोजर और ब्राइटनेस का खास ख्याल रखिए। एक्सपोजर और ब्राइटनेस बहुत ज़रूरी होती है, उसका खास ख्याल रखिए। और अगर आपको कैमरा सेटिंग्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, अगर आप टेक सैवी नहीं हैं, तो आप ऑटो जो सेटिंग होती है जिसमें ऑटोमेटिकली कैमरा एडजस्ट कर लेता है सराउंडिंग्स के हिसाब से, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर सिक्स ये कहता है कि अगर आप अपने आप को फिल्म नहीं कर रहे हैं तो ऑडियो यूज मत करिए। आप ऑडियो को ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है सेटिंग्स में जाके कैसे ऑफ करते हैं या फिर आपके सेटिंग्स में ऑडियो ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है, तो जब आप फाइनल वीडियो बनाएं तो ऑडियो ना यूज करें। जब भी हम कुछ कुक करते हैं आवाज आती है और कई सारी आवाजें हमें ऑडियंस को सुनाना नेसेसरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल चिमनी की आवाज़, फॉर एग्जाम्पल कुकर की सीटी की आवाज़, या और कई ऐसी आवाज़ें जो हमें ऑडियंस को सुनाना नेसेसरी नहीं होता है। तो सबसे बेटर ये रहता है, एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप वो आवाज़ को हटा दें, उससे वीडियो काफ़ी नीट बनेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, उसमें एक प्रोफेशनल टच आ जाएगा। सारी आवाज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कैमरे की तरफ फेस करके बोल रहे हैं तब हाँ आपकी आवाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर सेवन पे आते हैं। मैंने बोला कि खाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए तो फिर कैसे करें,
खाना बन रहा है हमें बताना है कि हाँ आप प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो कैसे बताएंगे? इसका तरीका यह होता है कि आप पहले वीडियो शूट कर लीजिए, उस समय कुछ मत बोलिए, बाद में जाकर सॉफ्टवेयर में जब आप उसे एडिट करेंगे तो आप उसमें वॉइस ओवर दीजिए। क्या देना है आपको? उसमें देना है आपको वॉइस ओवर। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, वॉइस ओवर कैसे देना है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें ताकि वो जो बड़े बड़े वॉटरमार्क लग के आ जाते हैं ना, लिखा होता है एक्स वाई जेड, आपने ये सॉफ्टवेयर यूज किया है, ये सॉफ्टवेयर यूज किया है, बड़ा बड़ा लिख के आ जाता है, बहुत ऑड लगता है, उस चीज से आप आएंगे। मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा, मोबाइल ऐप बताऊंगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप यूज कर सकते हैं, दोनों फ्री हैं, कोई आपको खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपके पैसे बचवाने के लिए बैठा हूं, मैं आपका खर्चा कराने नहीं बैठा हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फ्री ऐप या फिर एक फ्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने वीडियो को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं, उसमें वॉइस ओवर दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई वॉटरमार्क नहीं। ये होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था पॉइंट नंबर 7, जिसमें मैंने बात करी कि लाइव कमेंट्री करने की बजाय आप उसमें वॉइस ओवर दीजिए, वो ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा, वॉइस काफी क्लियर आएगी, काफी नीट आएगी, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है यूजर्स की नजरों में। पॉइंट नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन हमारे किचन्स में उतनी लाइटिंग नहीं होती है। अगर मॉडर्न किचन्स को छोड़ दें, जो मॉड्यूलर किचन आजकल बन रही है उनको छोड़ दें, तो नॉर्मल घरों में आज भी किचन छोटे होते हैं, उतने बड़े नहीं होते। तो कहीं ना कहीं लाइट थोड़ी सी इनएडिक्वेट होती है। एक ट्यूबलाइट दे दी, एक एलईडी के लिए प्रोविजन दे दिया, इतनी लाइट काफी होती है। बट जब आप कुकिंग कर रहे हो तो लाइट का खास ख्याल रखना है। मैं चाहूंगा आप अगर हो सके तो एक्सटर्नल लाइट यूज करिए। एक्सटर्नल लाइट दो तरीके से यूज हो सकती है। अगर आपके किचन में खिड़की है बड़ी सी तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, ताकि नेचुरल लाइट का जितना आप प्रयोग कर सकें उतना करिए, काफी अच्छा इफेक्ट आता है। और अगर खिड़की भी नहीं है और एक छोटी सी ट्यूबलाइट है या बल्ब है, तो आप एक लाइट सोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। सॉकेट जरूर होगा किचन में, आप एक एडिशनल एलईडी लगा सकते हैं। यहां पे मैं जरूर बोलूंगा कि यहां कंजूसी ना करिए, लाइट का प्रयोग करिए, एडिक्वेट लाइट का प्रयोग करिए, ताकि आपका वीडियो जो है वो ओवरऑल अच्छा बन गया है। पॉइंट नंबर 9 इज कैमरा स्टेबलाइजेशन। कैमरा स्टेबलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, एक हाथ से हम कैमरा पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से हम कुक कर रहे होते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, अपने बच्चों से हेल्प ले सकते हैं, अपने हस्बैंड से हेल्प ले सकते हैं कि आप कैमरा पकड़ लो और मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, या मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप अपनी वाइफ से हेल्प ले सकते हैं और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जस्ट इन केस दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर आपको लगता है कि आपका स्पाउस आपकी नहीं हेल्प करना चाह रहा है या वो बिजी है अपने काम में, तो सेल्फी स्टिक हम सबके पास होती है नॉर्मली, नहीं तो ये 250 रुपए 150 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगी। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से अच्छी क्वालिटी की भी सेल्फी स्टिक ऑर्डर कर सकते हो। सेल्फी स्टिक इज वन थिंग। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा स्टेबलाइजेशन चाहिए, स्टेबलाइजेशन इज बहुत जरूरी, स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी होता है ताकि आपका जो वीडियो है वो शेकी ना बने। जब वीडियो शेकी बनता है तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल जाता है और कई बार देखने वाले का ध्यान भटकता है। अगर थोड़ा सा एक स्टेप आप और एडवांस होना चाहते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये यूट्यूब वाला काम करना है और मुझे वीडियोस रेगुलरली बनाने हैं, तो आप एक ट्राइपॉड भी खरीद सकते हो। ट्राइपॉड अगेन आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएगा, कई कई रेट्स हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ट्राइपॉड खरीद सकते हो। पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट फॉर द डे, लास्ट पॉइंट ये कहता है कि आप पूरा वीडियो एक बार में शूट मत करिए, पूरा वीडियो एक बार में शूट मत करिए, छोटे छोटे क्लिप्स को शूट करिए और बाद में एडिटिंग से उनको एक साथ मर्ज करिए। पूरा वीडियो एक साथ मत शूट करिए, छोटे छोटे क्लिप्स शूट करिए, 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड का क्लिप शूट करिए, बाद में एडिटिंग से उसे मर्ज करिए। इससे काफी प्रोफेशनल लुक आएगा आपके वीडियोज में और वीडियो काफी नीट बनेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको पॉइंट नंबर 7 में पहले भी, कि कमेंट्री नहीं करनी है, लाइव कमेंट्री अवॉइड करिए, उसकी जगह आप वॉइस ओवर दे सकते हैं। ये था आज का हमारा बेसिक वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं। अगले में हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे और जानेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, किस तरह से लाइटिंग सेटअप करनी है, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह हैं। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी तो भी हमें लिखिएगा और हमें बताइएगा हम कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं।